आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि बहुत दिनों से एक हमारे सभी विद्यार्थियों के का इंतजार था कि केवीएस इंटरव्यू की तैयारी के लिए डेट कब घोषित करें हम, और कैसे हमारी तैयारी होगी, किस मुख्य बिंदुओं से हमारी तैयारियां शुरू होंगी। इन सभी तैयारियों के साथ हमारी लिब्रेस टीम पूर्ण रूप से खड़ी है और तैयार है, और एक आपका इंतजार का जो लम्हा था वो समाप्त हुआ। जैसा कि केवीएस इंटरव्यू और डेमो दोनों की जिम्मेदारी आपको बहुत पहले सेमिनार एक हुआ था लिब्रेस क्लासेस की तरफ से केवीएस सीआरटी एग्जाम को लेकर के, उस समय बताया गया था कि ये दोनों कार्यों के लिए लिब्रेस की टीम आपके साथ खड़ी रहेगी और आपके लक्ष्य की अंतिम उद्देश्य जो आपका सिलेक्शन है वहां तक उससे पूरा करने के लिए जी जान लगा देगी। और जैसा कि आपको एक इंतजार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंतजार था कि कब किस डेट से लिब्रेस के द्वारा इंटरव्यू स्टार्ट किया जाएगा, वो लम्हा आपका समाप्त हुआ। कल यानी 14 मार्च को शाम दोपहर बाद 3 से 6 के टाइम में रखा गया है, प्रतिदिन 3 घंटे की क्लासेस। और ये क्लासेस का प्रारूप कैसे होगा, कैसे चलेगी, इसके इसको विस्तृत रूप से यानी कि पूरा संपूर्ण आपका एक प्रोफॉर्मा कुछ शॉर्ट में मृदुल सर के द्वारा आप समझेंगे, और मैं आपके समक्ष मृदुल सर को बुलाता हूँ, और बाकी हमें हमारे बात सारी इन्फॉर्मेशन आपको मृदुल सर के द्वारा मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। हमसे आप सभी जो हैं जुड़े हुए हैं और बेहद खुशी की बात है, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि लिब्रस क्लासेस हमेशा से इंटरव्यू की तैयारी कराता आया है, आपसे पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, और इस बार फिर से पूरी तैयारी के साथ उतर रहा है कि हम और आप मिलकर केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की तैयारी के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। ऑनलाइन तैयारी भी बहुत से लोग करा रहे हैं, मगर ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी में काफ़ी अंतर है। एक इंटरव्यू की तैयारी ऑफलाइन बेहतर हो सकती है, क्योंकि चीज़ों को आत्मसात करना पड़ता है, सामने वाले के लोगों की बातों को, उनका मार्गदर्शन अनुभव करना पड़ता है, जो कि मुझे लगता है ऑनलाइन उतना नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि आप हमारे मुख्य ब्रांच पर कल 14 मार्च को शाम 3 बजे से पधारें और आएं। और पहला दिन कल का रहेगा, और बहुत ही एक तरह से ये छोटा मिनी सेमिनार आप समझ सकते हैं कि ये छोटा सा तो रहेगा, मगर आज कल आप जो है पूरा प्रोफार्मा समझेंगे, पूरा रूपरेखा, पूरी प्रस्तावना समझेंगे कि आपको एक रणनीति बनाने में मदद मिलेगी कि कैसे हम इंटरव्यू की तैयारी करें, है ना। इंटरव्यू एक ऐसा पोर्शन हो जाता है जहां पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई कॉन्टेक्ट, है ना, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका प्रस्तुतिकरण, बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम पहले से आपको बता दें कि केवीएस के बारे में पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं केवीएस, तो केवीएस की एक छोटी छोटी चीजों के बारे में, उसके लोगो, उसकी वेबसाइट को विजिट करना होगा, केवीएस के बारे में पूरा जांच पड़ताल कर लेनी होगी। इसके अलावा आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इंटरव्यू में, प्रायः लोगों का इंटरव्यू यहीं से शुरू होता है, क्योंकि आपको एक बायो पेज मिलेगा, उसको भरना होगा, और उसमें आप एक तरह से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ही देते हैं। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत बड़ी चीज है। आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपके टीचिंग स्किल को भी परखा जाएगा डेमो टीचिंग के द्वारा, क्योंकि 30 नंबर के फेस इंटरव्यू हैं और 30 नंबर का आपका डेमो टीचिंग है। तो यहाँ पर डेमो टीचिंग में आपको टीचिंग स्किल आपकी कितनी अच्छी है, तमाम प्रकार के कौशल आपने बीएड वगैरह में पढ़ रखे थे, सीटेट में अब तक आपने उसको प्रश्नों के माध्यम से देखा, अब व्यवहार में उतारने का समय है कि आपको क्या शार्पण कौशल बेहतर आता है, क्या आपको प्रश्नीकरण कौशल है, अनुशीलन कौशल है, तमाम प्रकार के कौशल और उनके घटक होते हैं, उनको व्यवहार में आप उतार पाते हैं कि नहीं पाते हैं। लेसन प्लान वगैरह बनाते हैं आप, उसमें भी तमाम प्रकार के छोटे छोटे ऐसे बिंदु होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आपके टीचिंग में कितना स्किल है, आपका नॉलेज वो परख चुका है, आपके स्किल को परखने के लिए ही अब डेमो टीचिंग को रखा गया है। तो ये सारी चीजों पर डिस्कशन हम लोग कल मिलकर करने वाले हैं, क्योंकि डेमो टीचिंग है तो आपको एनसीईआरटी की किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी, लगभग 1 से लेकर के 5 तक की किताबों को एक बार आपको गो थ्रू होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि वो एनसीईआरटी से संबंधित अगर कोई प्रश्न बनाए तो आप उसका बेहतर जवाब दे सकें। एनसीईआरटी की किताबें आप 1 से 5 तक पढ़ना शुरू कर दें, अगर आप 120 प्लस नंबर पाए हुए हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 120 प्लस वाले, तो एनसीईआरटी किताब पढ़ना शुरू कर दें। बाकी रिजल्ट का थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, मगर अगर आप 125 प्लस, 130 प्लस हैं, तो मेरा मानो अच्छे से तैयारी शुरू कर दो, है ना, जिसमें एनसीईआरटी किताब तो तब भी आपको पढ़नी है, मगर एकाएक आप पढ़ के नहीं खत्म कर सकते, इसलिए बहुत
धीमे धीमे ही आप शुरुआत कर पाएंगे, तो अभी से शुरुआत करनी ही होगी, है ना। फिर उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत मायने रखता है कि आप कितना अच्छा संप्रेषण कर पा रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, आपका भाषा प्रभाव, उच्चारण शैली वगैरह वगैरह चीजें, ये सारी बातें आपको हमारे अनुभवी अध्यापकों के मार्गदर्शन में जानने को मिलेगा। हम प्रयास करेंगे कि कुछ अध्यापकों को भी वहां पर सम्मिलित करें जो ऑलरेडी कहीं किसी सरकारी संस्थाओं में, विद्यालयों में पढ़ाते हैं, वो जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के मिशन वगैरह चलाए जाते हैं, जिन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भागीदारी उनकी सुनिश्चित हो चुकी है, वे सभी अनुभवी अध्यापक आपके समूह एकत्रित होंगे। आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी करनी कैसे है, और उसका मार्गदर्शन वो आपको 100% पूरे मन, पूरे जी जान के साथ आपको देंगे। तो मैं चाहता हूं कि कल का डेट आप याद रखें, 14 मार्च 2023, है ना। आप सभी लोग शाम का समय 3 बजे याद रख लें, मेन ब्रांच पर आपको आना है, और 3 से 6 हम लोग प्रतिदिन ये कक्षाएं चलाएंगे। मगर फिर से कह दूं कि कल चूंकि पहली क्लास होगी, तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप आए और पूरे आपके इस संघर्ष की जो योजना है वो पहले दिन ही बनेगी। तो ये पहला दिन आप कभी मिस ना करें, इस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन मित्रों तक भी ये पहुंच पाए जो बहुत अच्छा अंक स्कोर किए हैं और इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं। लिब्रस से जरूर जुड़े, जरूर जुड़े लिब्रस से। बाकी सारी डिटेल आपको हमारे नीचे मिल जाएंगी, संपर्क कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे, आपको नंबर मैं लिख के दे देता हूँ, आप इस नंबर पे संपर्क कर लें, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार के डिटेल की आवश्यकता हो तो 9451518751 आप इस पे पूरी तरह से इंक्वायरी कर सकते हैं। बेहतर होगा आप ब्रांच पर आकर के संपर्क करें, सारी इंक्वायरी यहाँ पर आप ले। तो मित्रों इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही ताजा अपडेट्स हम हमेशा देते रहते हैं।